हाय फ्रेंड नमस्कार, मैं एनके जी महाराज सागर भाई। तो चलिए फ्रेंड, आज हम फिर बात करते हैं काला जादू के ऊपर में। तो आज का जो काला जादू होगा फ्रेंड, अगर किसी के ऊपर किया गया है वो काला जादू, तो मैंने आपको आज बता देता हूं सबसे पहले कि काला जादू अनेक प्रकार से होते हैं। किसी भी अंग में काला जादू कर सकता है आपके ऊपर में, आंख में, मुख में, कान में, पैर में, पेट में, सिर में, पीठ में, इत्यादि कहीं भी कर सकता है वो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि आपके पैर में काला जादू कर दिया है तो आपके पैर के साथ क्या क्या होगा, वो लक्षण मैं आपको बता रहा हूं, वो सुन लीजिए लक्षण आज। तो लक्षण यही होगा फ्रेंड कि आपका पैर यदि कमर से नीचे तक, एक पैर या दो पैर, सबसे पहले काला जादू एक ही पैर पर किया जाता है और वही एक पैर का दर्द धीरे धीरे बढ़ करके दोनों पांव पर हो जाता है। तो दोनों पांव पर होने का कारण यही होता है क्योंकि एक पैर बार बार दर्द करने से एक दूसरे पैर पर आप वजन ज्यादा डालने के कारण उनका भैन भी धीरे धीरे बैठने लगता है, जिसकी वजह से आप दोनों पैर से लाचार हो जाते हैं। तो आज मेरा कहना आप लोगों से है कि यदि काला जादू आपके ऊपर किया गया है तो आप कैसे उसको पहचान करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पैर में यदि दर्द है, घुटनों में या कहनी में, पैर के या कमर के थोड़ा सा नीचे भाग में जहां पर वो कोल्हू होता है, तो आप समझिए सबसे पहला, यदि आप रात में सो करके सुबेरे उठते हैं और सवेरे इतना ही दर्द करता है जो कि आप वर्णन नहीं कर सकते हैं उसका, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको सेटिका बीमारी का शिकार आप हो रहे हैं, उसके लिए भी आपको चेक कराना पड़ेगा। दूसरी बात मैं बता रहा हूं आपको फ्रेंड, यदि आपका पैर में 10-15 दिन से दर्द है और यदि आपका कमर से एक छोटा सा गुल्ली धीरे धीरे नीचे पांव तक आया है तो यह सबसे बड़ा लक्षण है सेटिका का। और यदि आपका उस कमर से काछ से नीचे नहीं आया है गुल्ली तो आप समझिएगा आपको सेटिका नहीं है। तो बार बार यदि आपको ऐसा पैर दर्द कर रहा है, दवा खा के परेशान हो रहे हैं और फिर दवाई खाने से ठीक हो जाता है फिर हो जाता है, यानी दवाई भी काम नहीं कर रहा है, तो आप समझिए आपके ऊपर में पैर पर काड़ा बांध मार दिया है, कोराटी बांध मार दिया है या क्या बोलते हैं उसको, फोड़ा बांध मार दिया है। इस प्रकार के बहुत सारे बांध होते हैं फ्रेंड जो कि मारा जाता है और वह बांध, काड़ा बांध मारने से पैर सीधा ही रहता है, टेढ़ा करेंगे दर्द करेगा, टेढ़ा रहेगा तो फिर सीधा नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार का बांध अगर मार दिया जाता है तो वह सीधा टेढ़ा नहीं होता है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, ऐसे तो बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जो आपके पांव से सीसा निकालेंगे, केस निकालेंगे और वो कांच होता है ना, कांच निकालेंगे, रेता निकालेंगे, लोहे का छोटा छोटा कण निकालेंगे फ्रेंड। तो यह एक ट्रिक है निकालने का, अगर आप लोगों में किसी को जरूरी है कि गुरुजी ये ट्रिक मुझे जानना है, देखो फ्रेंड मैं सबसे पहले आप लोगों को ना सब कुछ बताना चाहता हूँ। पैर से कहीं सीसा निकल सकता है, पैर से कहीं बाल निकलेगा, पैर से कहीं लोहे का छरारा निकलेगा, नहीं ना। लेकिन वो लोग निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। यदि ये ट्रिक जान के क्या करेंगे, ये तो ठगने वाले ही करते हैं। तो यह ट्रिक जो है, मुंह में सब कुछ रखता है अपना और इसके बाद सुई निकालता है इतना लंबा लंबा, तो ठीक है फ्रेंड वो तो एक ट्रिक है। लेकिन उसमें होता क्या है, यदि आपके पैर में वह आदमी जो बाबा है मुंह लगाएगा और उससे इतना बड़ा सुई निकाल दे, आपको भी लगेगा ना आश्चर्य कि मेरे पांव से सुई निकल गया, है ना। भले वो झूठ निकाले, उस समय आपका दर्द खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार संसार में है फ्रेंड जो कि अभी भी हैं और बड़ा वो लोग इतना फॉरवर्ड हो चुका है, इतना निपुण हो चुके हैं उस काम को कि आप देख भी नहीं पाएंगे और वो निकाल देगा। तो आपको भी लगेगा कहीं ना कहीं इसमें जरूर मेरे पैर से ही सुई निकला है। तो वह एक ट्रिक है फ्रेंड आप लोगों को, यदि आप लोग कहेंगे कि मुझे गुरु जी सीखना है, देखिए तंत्र मंत्र यंत्र में तीनों मिलके चलता है, तो यह एक ट्रिक है जिसको हम लोग यंत्र के द्वारा काम करते हैं, हम नहीं करते पर करने वाले करते हैं। तो आप समझ लीजिए आपके पांव में यदि किसी प्रकार से ठीक नहीं हो रहा है तब आप हमें कॉल कीजिए, फिर उसे झाड़ा लगाने के बाद फिर हम आपको तंत्र के द्वारा ठीक करें, सुई के द्वारा नहीं, यानी कि उस पर कुछ दवा भी बोलेंगे लगाने के लिए, जिससे पहले आपका दर्द तो ठीक हो जाए, दर्द ठीक होगा इसके बाद हम जैसे जैसे बोलेंगे उस तरह कटान करना है, फिर देखेंगे आप निश्चित रूप से धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। या मेरा पैर का जो मैंने वीडियो बनाया आपके, आप लोगों के सामने में,
कि पैर का दर्द कैसे होता है, इसमें काला जादू का प्रकोप निश्चित रूप से है या नहीं।